नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ लक्की। स्वागत है आपका हमारे पे आई शेफ लक्की पे। भाई सो सॉरी, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी। आज हम एक नई वीडियो ट्राई करते हैं, कश्मीरी डिश है, उसको थोड़े अपने यूपी वाले टच के साथ अपने ट्विस्ट देते हैं और बनाते हैं चिकन रोगन जोश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले अपना सरसों का तेल और इसमें बनाना शुरू करते हैं अपना रोगन जोश। यहाँ पे हमारा सरसों का तेल गर्म हो चुका है और हम इसमें ऐड करते हैं अनियन। हमने इसको स्पाइसेस निकाल लिए थे और फिर हमें अब करना है ब्राउन। अब ये आधा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम डालते हैं कोरिएंडर, हरी इलायची, ब्लैक पेपर, रेड चिली होल और थोड़ा सा क्लोव और ये देते हैं मिक्स और इंतजार करते हैं हमारे प्याज के ब्राउन होने का। ये बस जो हमारा प्याज है ये ब्राउन होने ही वाला है। प्याज है ये ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारा चिकन पीसेस। यहाँ मैं विंग्स पीसेस जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। मैंने करते हैं मिक्स। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, और इसे देते हैं बढ़िया सा मिक्स। और ये देखिए हमने सब चीज़ों को कर दिया मिक्स और इसमें अब ऐड करते हैं हम अपना दही। दही को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया खूब सारा और गेन इसको जितनी जल्दी जल्दी चलाते हैं ताकि जो दही है आप कंटिन्यू चलते रहिए तो फटेगी नहीं। यहाँ पर जो हमारा ग्रेवी और जो दही इसमें बॉईल आ चुका है और अब हम इसमें ऐड करते हैं मसाले। बहुत ही बेसिक और सिंपल से मसाले हमको ऐड करने हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसका रेड कलर भी आएगा। वैसे रतन जोत से आता है, रतन जोत अवेलेबल नहीं था और वो भी हम एक वैसे क्लासिकल डिश नहीं बना रहे तो मैंने उसको इग्नोर किया है। और गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको करेंगे हम मिक्स और इसी में हम इसे आप स्लो फायर पे पकाएंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए, तो मसाले भी और ऑयल ऊपर आ जाए। तो हमारे मसाले हैं ये हो गए हैं और हम फायर को स्लो करके इसमें ऐड कर देते हैं पानी और बस स्लो फायर पे इसे 20 मिनट और पकाना है और जो हमारा चिकन रोगन जोश है ये बनके हो जाएगा तैयार। और इसे अब हम करते कवर 20 मिनट के लिए और इसको पकने देते हैं हम एकदम स्लो फ्लेम पे 20 मिनट बाद देखते हैं क्या हुआ। तो भाई पकते पकते ये है हमारा चिकन, क्योंकि अब बस होने वाला है। ऑयल पूरी तरीके से ऊपर आ गया है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है और इसमें हम आखिरी इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, वो है हमारा सौंफ पाउडर। ये हमने इसमें ऐड कर दिया अपने सौंफ का पाउडर। और इसे कर देते हैं मिक्स और बस 5 मिनट और आपका चिकन रोगन जोश तैयार खाने के लिए। और उसी गर्मा गर्म और बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी।